एवरीवन, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 6 चैप्टर 6 दैट इज इंटीजर्स में एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करेंगे और ये मैं अपडेटेड एनसीईआरटी सिलेबस 2023 के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 मैंने फुल्ली कवर किया हुआ है। अगर आप लोग मेरी वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगी, आप लोग वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड, आपको इसका रिजल्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो चलिए, फर्स्ट इज 35 माइनस ब्रैकेट में है 20, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हटाएंगे। यहां हो जाएगा 35 और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, ठीक है? 20 का साइन क्या है? तो पॉजिटिव है ना। यहाँ कोई साइन नहीं लगा, इसका मतलब ये प्लस साइन में है। अब माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होगा 20, ठीक है? 35 प्लस में है, 20 माइनस में है, डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन के नंबर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो 35 में से 20 गया 15, और साइन कौन सा लगेगा? जो लार्ज नंबर का साइन है, तो लार्ज नंबर है 35, उसका साइन है पॉजिटिव, तो ये प्लस का 15 आएगा। दिस इज द आंसर। अब बी पार्ट सॉल्व करते हैं, 72। 90 का साइन क्या है? तो पॉजिटिव है, कोई साइन नहीं है मींस पॉजिटिव है। अब ब्रैकेट को हटाइए तो ये माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस 90, ठीक है? अब एक पॉजिटिव में नंबर है, दूसरा नेगेटिव में है, डिफरेंट साइन के नंबर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो 90 में से 72 गया, 10 में से 2 गया 8, यहां बचा 8, 8 में से 7 गया 1, 18 आएगा। और साइन कौन सा लगेगा? तो जो लार्ज नंबर का साइन होगा, लार्ज नंबर है 90, 90 का साइन है नेगेटिव, तो ये माइनस का 18 आएगा। दिस इज द आंसर। सी पार्ट, ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस 15, और यहां देखिए माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। अब एक नंबर नेगेटिव में है, दूसरा नंबर पॉजिटिव में है, डिफरेंट साइन के नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो 18 में से 15 गया 3, और साइन कौन सा लगेगा? जो लार्ज नंबर का साइन होगा, तो लार्ज नंबर 18 है, 18 का साइन पॉजिटिव है, मींस ये प्लस का 3 होगा आंसर। डी पार्ट, ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस 20 एंड माइनस 13। अब देखिए दोनों नंबर का साइन नेगेटिव है, मींस साइन सेम है, सेम साइन के नंबर आपस में ऐड हो जाते हैं उसी साइन के साथ, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा और साइन भी यही रहेगा, 20 और 13 33, और साइन नेगेटिव ही रहेगा। दिस इज द आंसर। इसको यहां पे है 23, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा 12। अब देखिए 23 का साइन भी पॉजिटिव है, 12 का साइन भी पॉजिटिव है, दोनों का साइन प्लस है, सेम साइन के नंबर आपस में ऐड हो जाते हैं, 23 और 12, 3 2 5 एंड 2 1 3, और साइन वही रहता है, ठीक है? तो प्लस का 35 आएगा। दिस इज द आंसर। ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस 32, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 40। एक नंबर नेगेटिव में है, दूसरा नंबर पॉजिटिव है ना, तो डिफरेंट साइन के नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, 40 में से 32 गया 8, साइन कौन सा लगेगा? जो लार्ज नंबर का साइन होगा, लार्ज नंबर है 40, 40 का साइन पॉजिटिव, तो ये प्लस 8 आएगा। दिस इज द आंसर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू साइन। आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है इन साइन से, या फिर ग्रेटर देन, या फिर लेस देन, या फिर इक्वल टू साइन से इनको फिल करना है। सो फर्स्ट इज माइनस 3 प्लस माइनस 6, इसको सॉल्व करते हैं। माइनस 3 प्लस माइनस 6, ठीक है? ब्रैकेट ओपन करिए, ये माइनस 3 है, और ब्रैकेट जब ये वाला ओपन करेंगे तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, माइनस 6। 3 भी माइनस में है, 6 भी माइनस में है, ठीक है? सो सेम साइन के नंबर आपस में ऐड हो जाते हैं उसी साइन के साथ, तो 6 माइनस 6 और माइनस 3 कितना हो जाएगा? माइनस 9। अब इस साइड वाले को सॉल्व करते हैं, इसका आंसर आया क्या? माइनस 9, मैं यहां पे लिख दे रही हूं। अब इसको सॉल्व करिए, माइनस 3 माइनस माइनस 6,
ब्रैकेट ओपन करिए, ये माइनस थ्री हो जाएगा और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस सिक्स। अब एक साइन पॉजिटिव में है और दूसरा साइन निगेटिव में है, डिफरेंट साइन के नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं और साइन उसका लगता है जो लार्ज नंबर का साइन होता है। तो सिक्स में से थ्री गया थ्री और साइन पॉजिटिव होगा क्योंकि सिक्स लार्ज नंबर है और उसका साइन पॉजिटिव है, तो ये आएगा प्लस का थ्री। अब आप बताइए माइनस का नाइन बड़ा है या प्लस का थ्री बड़ा है? तो प्लस का थ्री बड़ा है ना, तो ये वाला इसमें साइन यूज होगा, मीन्स माइनस नाइन इज लेस देन प्लस थ्री। बी पार्ट इसको सॉल्व करिए, माइनस ट्वेंटी वन माइनस माइनस टेन, माइनस ट्वेंटी वन माइनस माइनस टेन, ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस ट्वेंटी वन माइनस माइनस प्लस टेन, एक निगेटिव में दूसरा पॉजिटिव में नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, 21 में से 10 गया 11 और साइन उसका लगेगा जो लार्ज नंबर का साइन होगा, लार्ज नंबर 21 है उसका साइन निगेटिव है, तो कितना आएगा माइनस 11। इसको सॉल्व करने पे माइनस 11 आया। अब इस साइड वाले को सॉल्व करते हैं, सो माइनस 31 प्लस माइनस 11, ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस 31 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 11, दोनों का साइन निगेटिव है, मीन्स दोनों सेम साइन में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस में ही, सो 112 एंड 314 और साइन वही रहेगा, सो माइनस का 42। इसको सॉल्व करने पे आया माइनस 42, तो माइनस 11 बड़ा है या माइनस 42? नंबर लाइन बना लीजिए, देखिए यहां कहीं जीरो होगा, फिर इधर निगेटिव में नंबर होंगे, इधर पॉजिटिव में, इधर 1, 2, 3 एंड सो ऑन ऐसे बढ़ते जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर, और इस साइड निगेटिव इंटीजर होगा, है ना, तो यहां कहीं होगा माइनस 5, फिर ऐसे डॉट 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 चलते चले जाएंगे, यहां कहीं होगा माइनस का 11 और पीछे चलते चले जाएंगे तो यहां कहीं होगा माइनस का 42। तो आप बताइए माइनस 11 बड़ा है कि माइनस 42? माइनस 11 बड़ा है ना, जितना हम राइट साइड मूव करते जाएंगे उतना ही नंबर की वैल्यू बढ़ती जाती है, तो राइट साइड कौन सा नंबर है? माइनस 11, तो माइनस 11 बड़ा है माइनस 42 से, ठीक है, तो कौन सा साइन का यूज होगा? इस वाले साइन का, माइनस 11 इज ग्रेटर देन माइनस 42। अब इसको सॉल्व करिए, 45 माइनस माइनस 11, 45 माइनस माइनस 11, ब्रैकेट ओपन करते हैं, सो 45 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 11, दोनों साइन पॉजिटिव में है, दोनों नंबर पॉजिटिव में है तो ऐड हो जाएंगे 516, 415 कितना आ गया 56। अब इसको 57 प्लस माइनस 4, सो 57 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 4, 57 में से 4 गया 53, है ना, ये कितना आ गया 53, तो कौन से साइन का यूज होगा? 56 बड़ा है 53 से, 56 इज ग्रेटर देन 53। लास्ट पार्ट माइनस 25 माइनस माइनस 42, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सो माइनस 25 ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा प्लस 42। अब एक नंबर माइनस में है दूसरा नंबर प्लस में है, डिफरेंट साइन के नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, 42 में से 25 सब्ट्रैक्ट करिए, 12 में से 5 गया 7, 3 में से 2 गया 1, तो कितना आ गया 17 और साइन उसका लगेगा जो लार्ज नंबर का साइन होगा, तो लार्ज नंबर है 42, 42 का साइन प्लस, इसका मतलब ये प्लस का 17 आएगा, क्या प्लस का 17। अब इसको सॉल्व करिए, माइनस 42 माइनस माइनस 25, माइनस 42 माइनस माइनस प्लस 25, एक निगेटिव में है दूसरा पॉजिटिव में है, सब्ट्रैक्ट होगा, तो 42 में से 25 गया, 12 में से 5 गया 7, 3 में से 2 गया 1, 17 आएगा, बट इसका साइन क्या होगा? जो लार्ज नंबर का साइन है, दैट इज निगेटिव, तो ये आया कितना? माइनस का 17। तो बताइए प्लस का 17 बड़ा है या माइनस का 17? ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव नंबर, है ना, तो प्लस का 17 इज ग्रेटर देन माइनस 17, दिस इज योर आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स, आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक है, चलिए करते हैं। फर्स्ट इज माइनस 8 प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू 0,
माइनस एट में क्या ऐड कर दे कि जीरो आ जाए, तो माइनस एट में अगर आप प्लस एट ऐड कर दोगे तो आंसर जीरो आ जाएगा, है ना। ये माइनस का एट और ये प्लस का एट दोनों कैंसिल आउट होके जीरो हो जाएंगे। देन बी पार्ट, 13 में क्या ऐड कर दे कि जीरो आ जाए, तो 13 का अपोजिट दैट इज माइनस 13, 13 में जब आप माइनस 13 ऐड करोगे तो जीरो आ जाएगा। सी पार्ट, 12 प्लस माइनस 12 इज इक्वल्स टू व्हाट, तो देखिए 12 प्लस में है और यहां माइनस में है, तो प्लस का 12 और माइनस का 12 मिलके क्या होगा, जीरो होगा। देन डी पार्ट, डी पार्ट में है माइनस 4 प्लस व्हाट इज इक्वल्स टू माइनस 12, माइनस 4 में क्या ऐड कर दें कि माइनस 12 आ जाए। देखिए मैं बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगी कैसे यहां पे सॉल्व करती हूं, माइनस 4 प्लस व्हाट इज इक्वल्स टू माइनस 12, इसको मैं x बोल देती हूँ, क्या बोल देती हूँ x, इसी x की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। ब्रैकेट ओपन करिए, ये माइनस 4 हो जाएगा और ये प्लस का x इज इक्वल्स टू माइनस 12, हमें x की वैल्यू निकालनी है, इन सारे नंबर्स को इस साइड से हटाना होगा, तो माइनस 4 को हटाने के लिए हम एक प्लस 4 कर दे रहे हैं, माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा और यहां पे है प्लस x, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 4 किया तो राइट हैंड साइड में भी प्लस 4 करना पड़ेगा, तो माइनस का 12 और प्लस का 4, समझ में आ रहा है। माइनस 4 प्लस 4 जीरो बन गया, क्या बन गया, जीरो, बचा क्या, सिर्फ x इज इक्वल्स टू, एक नंबर निगेटिव में है और एक नंबर पॉजिटिव में है, डिफरेंट साइन के नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं और साइन उसका लगता है जो लार्ज नंबर का साइन होता है, तो 12 में से 4 गया 8 और साइन लगेगा माइनस का, x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 8, ये होगा आपका आंसर, समझ में आया। अभी पार्ट, ब्लैंक माइनस 15 इज इक्वल्स टू माइनस 10, यहां पे कौन सा नंबर आएगा, तो मैं इसको x बोल देती हूँ, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस 15 इज इक्वल्स टू माइनस 10, हमें निकालनी x की वैल्यू है तो इधर जो भी वैल्यू है उसको हटाना पड़ेगा, तो माइनस 15 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस 15 करेंगे, अब लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 15 किया तो राइट हैंड साइड में भी प्लस 15 करना पड़ेगा, ये कैंसिल होके जीरो हो गए, माइनस 15 प्लस 15 जीरो, बचा क्या, सिर्फ x, अब एक निगेटिव में है दूसरा पॉजिटिव में है, नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 15 में से 10 गया 5, साइन कौन सा लगेगा, जो लार्ज नंबर का साइन होगा, लार्ज नंबर है 15, 15 का साइन है पॉजिटिव, तो ये प्लस का 5 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, समझ में आया, ये आपका आंसर है। नाउ फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं, सबसे पहले इन ब्रैकेट्स को हटाएंगे, सो यहां हो जाएगा माइनस 7 और ये माइनस 8 है, जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, माइनस और माइनस साइन का मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 25, अब देखिए ये दोनों नंबर माइनस में है, ये दोनों नंबर का साइन निगेटिव है, मीन्स सेम साइन है, तो सेम साइन के नंबर आपस में ऐड हो जाते हैं उसी साइन के साथ, ठीक है, सो 8 और 7 ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 15 और साइन निगेटिव ही रहेगा और ये है प्लस का 25, अब एक का साइन निगेटिव दूसरे का साइन पॉजिटिव, डिफरेंट साइन के नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, 25 में से 15 गया 10 और साइन कौन सा लगेगा, जो लार्ज नंबर का साइन होगा, लार्ज नंबर का साइन पॉजिटिव है तो ये प्लस का 10 आएगा, दिस इज द आंसर। बी पार्ट, ब्रैकेट ओपन करिए, ये हो जाएगा माइनस 13 प्लस 32 एंड माइनस 8 माइनस 1, यहां पे जो जो नंबर आपको माइनस साइन के साथ दिख रहे हैं उनको एक साथ लिख लीजिए, ठीक है, जैसे ये माइनस 13 और ये माइनस का 8 और ये माइनस का 1, इनको मैंने एक साथ लिख लिया और प्लस वाले को इस साइड कर दिया, प्लस का 32, अब ये तीनों नंबर माइनस में है, मीन्स तीनों नंबर का साइन सेम है, तो ये तीनों नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे इसी साइन के साथ, तो 13 और 13 और 9, 13 और 9 है ना, 93 12 और कैरी आया 1 हो गया 22, तो कितना हो जाएगा 22 और साइन कौन सा लगेगा, यही साइन लगेगा और है प्लस का 32, अब एक का साइन निगेटिव दूसरे का साइन पॉजिटिव, नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे,
32 में से 22 गया 10, साइन कौन सा लगेगा जो लार्ज नंबर का साइन होगा, लार्ज नंबर 32 है, 32 का साइन पॉजिटिव है तो ये प्लस 10 आएगा, दिस इज द आंसर। सी पार्ट, ब्रैकेट ओपन करिए, -7 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई -8 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस का 19। यहाँ पे तीनों नंबर निगेटिव में है, देखिए इसका भी साइन माइनस, इसका भी साइन माइनस और इसका भी साइन माइनस, तीनों का साइन सेम है तो नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे इसी साइन के साथ, तो कितना हो जाएगा 98.7, सबको ऐड करिए, 8, 7, 15 कैरी आया 1, बन गया 10, 105 आएगा और साइन होगा माइनस में, तो माइनस का 105, दिस इज द आंसर। लास्ट पार्ट, ब्रैकेट ओपन करिए, 50 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 40 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 2, यहाँ पे सारे पॉजिटिव साइन में है, देखिए 50 का भी साइन पॉजिटिव, 40 का भी साइन पॉजिटिव, 2 का भी साइन पॉजिटिव, सबको ऐड कर दीजिए उसी साइन के साथ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 and 5, 4, 9, 92, दिस इज द आंसर। होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।